हाय स्टूडेंट्स दिस इज़ बायोलॉजी क्लास एम केश कुमार ध्रोना लेक्चर फोर करेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट पढ़ रहे हैं एड्रेनल ग्लैंड गोनेडियल ग्लैंड टेस्टिस एंड ओवरी इन सब के बारे में आज इस चैप्टर के अंदर आज इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिनल ग्लैंड इसकी लोकेशन होती है हमारी बॉडी में एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी किडनी के ठीक ऊपर एंटीरियर पोर्शन में होती है ट्राइंगल शेप सो लोकेशन ऑफ ए ग्लैंड दिस इज सिचुएटेड एट इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी कॉनिकल शेप में दिखने वाली ग्लैंड है इसको फोर एस ग्लैंड भी कहते हैं ये हमारी बॉडी में शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है सॉल्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करती है गोनीडियल ग्लैंड्स से सिक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स की एक्शंस को सपोर्ट करती है और इमरजेंसी कंडीशन और स्ट्रेसफुल जैसी कंडीशन से हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम करती है Each adrenal gland consists of two types of tissue, the centrally located adrenal medulla and adrenal gland के transfer section में यदि हम देखें तो एडिनल ग्लैंड के अंदर दो अलग अलग टिश्यू रीजन्स होते हैं जो आउटर रीजन होता है उसे एडिनल कॉटेक्स कहते हैं और जो सेंट्रली पार्ट होता है दैट कॉल्ड मेडुला। सो टू टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन एडेनल एडनलैंड एडेनल कॉटेक्स एंड एडेनल मेडुला एडेनल कॉटेक्स तीन डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी होती है इन तीनों डिफरेंट लेयर से तीन अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स जो सिक्रेट होते हैं उन सबको कॉटिकॉइड हॉर्मोन्स कहता सो विच का हॉर्मोन्स आर सीक्रेट फ्रॉम दिस स्पॉट टी कॉर्टिकॉइड्स हॉर्मोन्स एडिलल कार्टेक्स के रीजन और मेडुला रीजन के अंदर यदि हम यही पार्ट देखें तो मेडुला बिल्कुल सेंटर में होता इस पार्ट में तीन रीजन्स देख सकते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा तीन पार्ट्स में डिवाइड रहता है नंबर वन नंबर टू एंड नंबर थ्री सो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है जो ना ग्रे ग्लोमेरुलेसा, मिडल पार्ट जोना फेसिकुलेटा और सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है एडिनल कॉटेक्स में दैट इज कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस एडिनल कॉटेक्स के जो डिफरेंट पार्ट्स है जोना ना ग्लोमेरुला ग्लोमेरुलसा से जो, जो हॉर्मोन्स की कैटेगरी रिलीज होती है वो ग्लूकोटिकॉइड्स होती है ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है जोना जोनाफेसिकुलेटा से जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उनको एल्डोस्टेरोन हॉर्मोन कहते हैं। ये एल्डोस्टेरोन हॉर्मोन मिनरलोकॉटिकॉयड्स के नाम से भी कहलाते हैं मिनरलोकॉटिकॉइड्स रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स हैं वो किडनी में सॉल्ट के अमाउंट को कंट्रोल करता है जो कुलेटा से जो हार्मोन रिलीज होता है उनको गोनेडो गोनेडोस्ट गोनेडो कहते हैं गोनाडिकोटिकॉयड्स हॉर्मोन एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस जिन्हें सेक्स हार्मोन्स और गोनीटियल हार्मोन्स कहते हैं उन पे कंट्रोल करने का काम करता ग्लूकोटिकॉयड्स जो इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में उन सभी हार्मोन्स को ग्लूकोटिकॉयड हार्मोन्स कहा जाता है मेन फंक्शन टू कंडक्ट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म ग्लूकोटिकॉल डिफरेंट फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं पहला ये ग्लू को नियोजेनेसिस करते हैं जिसके थ्रू अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स से ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस होता है। एक तरह से ये ग्लूकोटिकॉयड हॉर्मोन ग्लूको नियोजेनेसिस के थ्रू ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है लिपोलाइसिस लिपिड्स की ब्रेकडाउन प्रोटीओलाइसिस प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करके उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है इनमें से एक हार्मोन का एग्जांपल है कॉर्टिसोल कोर्टिसोल हार्मोन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शंस में मेंटेनेंस करने का काम करता मेंटेनिंग कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम साथ में किडनी में होने वाले यूरिन फॉर्मेशन और ऑस्मो रेगुलेशन मैथड ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब हो गया जितने भी टिश्यू फ्लूड्स होते हैं उनमें वाटर और मिनरल्स के बैलेंसिंग को ऑस्मो रेगुलेशन करते कहते हैं क्या था सेल इसके अलावा बॉडी के अंदर एंटी इनफ्लामेट्री रिएक्शंस कंडक्ट करती है कंडक्ट एंटी इनफ्लामेटरी रिएक्शन करवाती है जब भी चोट लग जाती है तो उस जगह पर जलन होती है दर्द होता है पेन होता है तो कॉर्टिसोल हॉर्मोन टॉलरेंस ही प्रोवाइड करता है एक तरह से इसके अलावा जब इम्यूनिटी सिस्टम प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप का होता है तो हमारे इम्यूनी सिस्टम के एक्टिवनेस को ये सप्रेसिस करने का काम भी करता है एक तरह से इम्यून सिस्टम का उस वक्त सप्रेस होना जरूरी है अदरवाइज हाइपर सेंसिटिविटी और अदर एक्शंस की वजह से हमारी बॉडी में एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इमरजेंसी कंडीशन के अंदर कार्टिसोल हार्मोन्स यहाँ ग्लूकोज के लेवल्स को इंक्रूज कर रहा है कार्डियो सिस्टम और किडनी में इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को प्रमोट कर रहा है साथ में हमारी बॉडी में इमरजेंसी होने की पोजीशन में रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ती है तो ये आर के प्रोडक्शन को भी इंक्रूव इंक्रीज करता मिनरलो मिनरलोकोटिकॉयट्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी दे कॉल मिनरेलोकॉटिकॉइट्स एग्जाम्पल एल्डोस्टरन तो एल्डोस्टरन हमारी बॉडी के अंदर वाटर एंड डिफरेंट मिनरल्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको कंट्रोल करके रखते हैं इनके रेगुलेशन को करता ये रीनल रीनल ट्यूबवल्स के अंदर सोडियम एंड वाटर के रीएब्सॉर्ब्शन को देन पोटेशियम आयन के एक्सक्रिएशन को स्टिमुलेट करता एल्डोस्टर हेल्प इन मेंटेन टू इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी फ्लूड वॉल्यूम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर इन सब को कंट्रोल करने का काम भी मिनरेलो कोटिकॉयड्स है मिनरेलो कोटिकॉयड्स एक तरह की सीरीज हो गई ऐसे हॉर्मोन्स की एल्डोस्टोरन उसका एग्जाम्पल है हमने रास पढ़ा है किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस और उसका रेगुलेशन जहां पर रेनिन हॉर्मोन्स के मिजेशन की वजह से नोजन एंजियोटेंसीन में कन्वर्ट होता है साथ में अल्डोस्टर हॉर्मोन ये दोनों मिलकर के जी एफ आर को बढ़ा देते हैं रेट को बढ़ा देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देते हैं जिस तरह से बॉडी में वापस यूरिन फॉर्मेशन एज इट इज हो जाता स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हॉर्मोन्स जो बॉडी के अंदर प्यूबिटी के दौरान सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को प्रमोट करता है स्टिमुलेट करता है एक्सियल हेयर्स प्यूबिक हेयर्स फेशियल हेयर्स इनमें इम्पोर्टेंट करता मीन्स ये हॉर्मोन बॉडी में सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स का स्टीमुलेशन करता है जनरली ये सेक्स हॉर्मोन्स के प्रमोशन की वजह से होता है बट गोनेटोकॉर्टिकॉय्स उन सेक्स हॉर्मोन्स उन गनेडियल हॉर्मोन्स को स्टिमुलेशन करने का काम भी सिक्रेशन करने का काम भी करता है। इसकी वजह से इमरजेंसी पोजीशन में कंडीशन में सेक्सुअल एक्टिविटीज मेल और फीमेल में स्टेमिना जिसे हम जेंडर स्टेमिना कहते हैं उसको भी प्रमोशन होता एड्रेनल ग्लैंड का जो सेकंड पार्ट है एड्रिनल मेडुला दो हॉर्मोन्स सीक्रेट करती हैं एड्रनलिन और इपीनेफरीन एंड नोर एड्रेनलिन जिसका दूसरा नाम नोर एपिनेफ्रीन भी है ओए ओए क्या हो रहा है ये कौन है रे अरे कौन है क्या कर रहा है तू पीछे क्या कर रहा है पीछे क्या कर रहा थूं? है तू है जब मैंने मना कर दिया तेरे को कुछ भी नहीं करना इस वक्त इसको तो गर्दन काटा आराम जाएगी कैचकोला एमाइंस एंड नॉर एड्रिनल हार्मोन्स को स्ट्रेस हॉर्मोन्स भी कहते हैं और ये स्ट्रेस मोरमोन ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन तीन तरह के स्टेमिना क्रिएट करती है फर्स्ट फिया सेकेंड फाइट एंड थर्ड फ्लाइट इसलिए एड्रिनल मेडुला पार्ट की इस ग्लैंड को थ्री एफ ग्लैंड भी बोला जाता है इन हॉर्मोन्स के ये इमरजेंसी ग्लैंड थ्री एफ ग्लैंड और स्ट्रेस हार्मोन जो है वो बॉडी के अंदर जो फंक्शंस करते हैं जिसके अंदर अल्टरनेस क्रिएट होती है अलर्टनेस डायलेशन ऑफ पुपिल राइजिंग ऑफ हेयर्स स्वेडिंग इंक्रीज द हार्ट बीट रेट इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड जिससे इमरजेंसी कंडीशन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूज की जा सके जो फैट्स प्रोटीन ग्लाइकोज़न इनके ब्रेकडाउन की वजह से बॉडी के अंदर ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज किया जाता है। यह सारा सब कुछ एक स्ट्रेसफुल फियर फाइट और फ्लाइट कंडीशन के अंदर ऐसा किया जा रहा है इन सभी पार्ट्स और इनसे सिक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स के फंक्शन की वजह से एक एड्रेनल ग्लैंड स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो स्ट्रेस और एडवर्स कंडीशंस होती हैं उनसे ओवरकम होने में हेल्प करती है दैट्स वाई एड्रनल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड ऑल ओवर इसको फॉरेस्ट ग्लैंड इसका दूसरा नाम नेक्स्ट क्लैंड की बात करें हम जो गोनेडियल प्लेट हैं टेस्टीज एंड ओवरी इनमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो गोनेडियल हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं टेस्टीज एंड ओवरी टेस्टीज अ पेयर फॉर्म जो स्क्रॉटल सेक के अंदर लोकेटेड करती है और इससे सीक्रेट होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये मेल इंडिविजुअल्स में होती है इसलिए इसको मेल सेक्स ग्लैंड के नाम से भी जानता स्पेसिफिक टाइप की सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स कहते, लेडिंग सेल्स इज़ अनादर नेम ऑफ दिस ग्लैंड इज ये ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स जो प्रोड्यूस करती है उनको एंड्रोजन्स कहते। हैं तो ये एंड्रोजन हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं और स्पेसिफिक एंड्रोजन जो से रिलीज होता है सेक्स हॉर्मोन्स मेल सेक्स हॉर्मोन कहते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर जो फंक्शंस करते हैं उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बॉडी के अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट सेक्सुअल बिहेवियर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स स्पम्प फॉर्मेशन इन सभी चीज़ों को इन सभी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम और रेगुलेट करने का काम करता सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल के अंदर प्रमोट करना उनको रेगुलेट करना एन स्पर्मेटोजेनेस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्प इन टैस्टीज फ्रॉम गोनिडियल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन टैस्टी सेकंड जो गोनेडिल ग्लैंड होती है उसका नाम है ओवरी, जिसे फीमेल सेक्स ग्लैंड भी कहते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड फीमेल सेक्स ग्लैंड ये एक पेयर में होती है जो एबडोमन ऑफ फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है इसमें जो ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन ये दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं ओवरी में सुअल साइकिल साइक्लिक प्रोसेस है जिसके दौरान फॉलिकल सेल्स बनती है ये फॉलिकल्स स्ट्रक्चर बनते हैं ग्रेफियन फॉलिकल जिसमें एग सेकेंडरी ओसाइड फॉर्म में होता है और ओवुलेशन के बाद जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो कॉर्पस लूटियम बनाता है ये दोनों ही जो फॉलिकल स्टेजेस हैं वो एंडोक्राइन नेचर वाली होती है ग्रेफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन और सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म में ओवा निकलने के बाद ओवरी से जो बचा हुआ पार्ट है जिसे कॉर्पस लूटी कहते हैं उससे प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स सीक्रेट होता इन हार्मोन्स के जो बेसिक फंक्शन है जहां एस्ट्रोजन करवाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलपमेंट इनकी वजह से होता है दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स और इसकी वजह से सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स क्रिएट होता है

हम जानते हैं मिल्क फॉर्मेशन प्रोलेक्टिन हार्मोन्स के प्रेजेंस में होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट से सिक्रेट होता है एस्ट्रोजन हार्मोन आल्सो रेगुलेट द सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर द सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी हार्मोन फर्टिलाइज एग के यूटेरिस में एम्प्लांटेशन को प्रमोट करता और आल्सो प्रमोट द फर्दर ग्रोथ ऑफ फर्टिलाइज एग इसलिए प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट भी करता है प्रेगनेंसी को इट इज आल्सो एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ सेक्लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमोरी ग्लैंड दैट कॉल्ड एलिव्यूलाई एंड आल्सो प्रमोट द मिल्क सिक्रेशन so this is all about today's session we will meet with a new topic that will be the last and some more topics will be there take care bye bye have a nice day thank you